जी, ये जो आपने मेरी वीडियो में जूम इन एंड जूम आउट को इफ़ेक्ट को देखा है, तो ये कैसे करते हैं? तो आप आ गए हैं एक अच्छी जगह पे, जहाँ अबे जल्दी बोल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी वीडियो में किस तरह से आप अपनी वीडियोस में ये इफ़ेक्ट लगा के आप स्मूथली आप एक स्मूथली इफ़ेक्ट को आप कैच कर सकते हैं, और अपने वीडियो में कैसे आप जूम इन और जूम आउट को आप यूज़ कर तो सकते जी, हैं। आपने VN एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इस ट्यूटोरियल को देखना है, ठीक है, और जहाँ पर ना समझ आए उसे बार बार देखना है, ताकि आप कोई भी चीज़ को स्किप मत करें, ठीक है। और छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से देखना, ठीक है, और आप स्मूथली अपनी वीडियो में भी ये इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके आप स्मूथली एक व्यू बना सकेंगे। तो आपने ये VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और डाउनलोड करके अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखेंगे हम किस तरह से अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट को लगा सकते हैं, और तुरंत आप अपनी वीडियो को चेंज कर पाएंगे। अच्छा तो जी, अब हम आ जाएंगे अपनी VN एप्लीकेशन पर, ठीक है, VN को हम ऑन कर लेंगे। तो जी, आपने जिस वीडियो को ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लस के आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्लस के आइकन को हमने जो नीचे मिडल में है, प्लस के आइकन को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम अपने न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम तो आपने जिस वीडियो में आपने अपने जूम इन इफेक्ट को ऐड करना है, तो आप वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी कोई भी वीडियो को ऐड कर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ से आपने जब प्ले करना है, यहाँ से जब आप प्ले करेंगे, तो आपने ये देख लेना है कि आपने कौन से मोशन में, कौन सी मतलब जगह से आपने जूम इन इफेक्ट को ऐड करना है। तो अब जैसे ये देखें, अब इसे मैं प्ले करता हूँ, अब मुझे जहाँ से मैंने अपने जूम इन करना है व्यू को, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने इधर ये देखें, मैं अगर मैंने यहाँ से इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसे टच करूँगा, ठीक है। टच करके मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी की फ्रेम की, ठीक है, तो इससे मैं प्लस कर दूँगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसके थोड़ा सा आगे करेंगे, जहाँ से हमने जूम इन इफेक्ट को खींचना है। तो यहाँ से आपने अपने दोनों थंब को, आपने यहाँ से दोनों थंब का यूज़ करते हुए यहाँ आपने इस हिस्से को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। तो दोनों थंब से आप इसे थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपने जितना जूम करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे स्टॉप करके, यहाँ से हम थोड़ा इसे गाड़ी को आगे जाने देंगे, मतलब आप थोड़ी सी वीडियो को आप आगे ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा इसे और जूम कर लेंगे। दोनों थंब का यूज़ करते हुए ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये देखेंगे साथ साथ मेरे ये नीचे निशान आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें, ये की इस इफ़ेक्ट का नाम है की फ्रेम। जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर आपको ये जूम इन इफ़ेक्ट देगा, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पे ये इन कर रहा होगा। तो जी, ये देखें, अगर मुझे अपनी सारी वीडियो में मुझे इसे जूम इन रखना है, तो मैं इसे स्क्रॉल करता रहूँगा, और जहाँ पर मुझे जूम आउट चाहिए तो वहाँ पर मैं इसे बैक कर दूँगा। जैसे मेरी स्क्रीन को मैंने अपनी तरफ मतलब जूम इन किया है, और वैसे ही हम उसको जूम इन आउट कर देंगे, जूम आउट कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये दोबारा इसको प्रेस करना है, ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा हमारा जूम आउट जाएगा। यहाँ पर आप अपने दोनों थंब से आप इसे जूम आउट करते रहेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ से मैं इसे फुल जूम आउट कर दूँगा, और आपने स्क्रीन का साइज़ अपना वही रखना है। तो यहाँ से आपने क्लिक करके आपने वाटर मार्क को आपने
टेल कर देना है, क्योंकि ये वाटर मार्क इनका कैपकट वीएन वालों का है। तो आप अगर आपको वीडियो में नहीं चाहिए तो आप इसे क्लिक करके आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो डिलीट के ऑप्शन से आप इसको डिलीट कर देंगे। तो जी ये देखें जो हमने अपने जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट डाले हैं और कैसे लग रहे हैं आप, तो ये देखें। ये हमारा जूम इन जा रहा है। अब यहाँ से हम जूम आउट कर रहे हैं। तो जी आप भी ऐसे ही इसका यूज़ करके आप अपनी वीडियो में भी इसे यूज़ कर लेंगे। तो जी आप ऊपर देखें सेव के साथ हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। ये बात को याद रखिएगा जब आप वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप सेव के ऑप्शन को दबाएंगे तो ये आपकी जितनी वीडियो एडिट हुई होगी उसे सेव कर लेगा अपने एप्लीकेशन में ही। और जब आपने अपनी एप्लीकेशन मतलब वीडियो को आपने अपनी गैलरी में सेव करना है तो आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये वीडियो चाहिए तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। और आपने हमेशा रेजोल्यूशन को 1080p रखना है, FPS को आप 30 रख सकते हैं और आपने बिट रेट को डिफ़ॉल्ट रखना है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप रेजोल्यूशन जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं, आप यहाँ पे 4K ऑप्शन तक आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो जी सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे सेव टू एल्बम कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो जी इस तरह से आपने अपने वीडियो में ये इफेक्ट को यूज़ करके आप अपने वीडियो को आप जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट दे सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से देखने वाली चीज़ थी, इसमें कोई भी पॉइंट को मिस मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगी तो आप कहेंगे यार वीडियो भी का। वीडियो को बार बार देखें, जहाँ पर समझ नहीं आई वहाँ पे देखें कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। ओ कबीर।